हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम एक वेबसाइट के ऊपर वर्क कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और दोस्तों अपने वेबसाइट का SEO कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये लगभग 4 पार्ट बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो हमने पब्लिश कर दिया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लोग अपने वेबसाइट में, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, खाली जगह है यहाँ पे दोस्तों, आप लोग फॉलो मी का गैजेट कैसे लगाएंगे और यहाँ पे अर्थर का गैजेट कैसे लगाएंगे और दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट में आप लोग अपना नाम यहाँ पे कैसे डालेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत लोगों को यहाँ पे समस्या हो रही है दोस्तों कि इस टेम्पलेट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो डमी टेक्स है और यहाँ पे जो लोगो लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने साइट को ओपन करके। यहाँ पे दोस्तों अभी हम इसे व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद दोस्तों आपको हम दिखाते हैं कि इस तरह का गैजेट आप यहाँ पे नीचे में कैसे लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक पोस्ट को अभी फिलहाल हम यहाँ पे ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो मैंने लोगो लगाया है ये कैसे लगाया है और दोस्तों यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट को जो लगाया है ये कैसे लगाया है, ये सब सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है इसराइल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल। जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये घंटी के निशान को दबा लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ़ सबसे पहले उठा लीजिए। तो दोस्तों यही साइड है और हम इसी साइड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग गैजेट लगाते हैं फॉलो मी का। चलिए देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना होगा जिसका नाम है फीड बर्नर। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फीड बर्नर हमने फाइंड कर लिया और दोस्तों इसे हम ओपन करेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपने डोमेन का नाम डालेंगे। चलिए हम यहाँ से डोमेन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने डोमेन को पेस्ट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों कुछ आपको अलग सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप तीनों में से किसी एक के ऊपर टिक लगाएं, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं या नहीं तो दोस्तों उससे पहले आप लोग अगर कुछ टाइटल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें चेंज नहीं करना है, हम सिंपली नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे सारे पे टिक लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ईमेल सब्सक्रिप्शन, सिंपली हम लोग इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग इसे एक्टिव कर लें। एक्टिव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये कोड मिलेगा। सिंपली आप लोग इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोग अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों लेआउट के ऊपर करेंगे क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि कैसे लगाना है, कौन सा गैजेट आपको लेना है। सिंपली दोस्तों सबसे नीचे आना है। यहाँ पर दोस्तों ऐड ए गैजेट के ऊपर करेंगे क्लिक। और दोस्तों यहाँ पर जो हम लेंगे जावा स्क्रिप्ट HTML गैजेट, यहाँ पर दोस्तों प्लस का आइकॉन है इसके ऊपर कीजिए क्लिक। और दोस्तों आपके सामने एक यहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे दोस्तों खाली बॉक्स देख रहे हैं, इसके ऊपर उस कोड को पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों जो नाम दीजिएगा वो दिखेगा। सिंपली दोस्तों हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पे नाम दे दिया फॉलो मी। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सेव अरेंजमेंट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अपने साइट को यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सिंपल सा ब्यूटीफुल गैजेट यहाँ पे लग चुका है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट लगाने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे लेआउट के ऊपर करना है क्लिक। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं फुटर टू एड ए गैजेट के ऊपर करना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको पॉपुलर पोस्ट का मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पॉपुलर पोस्ट, इस प्लस के आइकॉन के ऊपर कीजिए क्लिक। यहाँ पे तो दोस्तों आप लोग सबको यहाँ अनटिक कर दीजिए और पोस्ट जो रखिए 5 रखिए और इसे ऑल टाइम रखिए। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग लिख दें लेटेस्ट। हमने लिख दिया लेटेस्ट पोस्ट। अब सिंपली दोस्तों हम लोग इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों सेव अरेंजमेंट के ऊपर कीजिए क्लिक और इसे रिफ्रेश करके हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लेटेस्ट पोस्ट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही आर्थर का गैजेट। आर्थर का गैजेट लगाने के लिए दोस्तों आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, जिस कोड का दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह का गैजेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे में, तो ये जो लोगो है ये लोगो आपको खुद से क्रिएट करना होगा। यहाँ पे दोस्तों हमने पहले से क्रिएट कर रखा हुआ है। चलिए सिंपली इस लोगो का कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को जाना होगा अपने ब्लॉगर के लेआउट पे। यहाँ पे दोस्तों जाके आपको HTML गैजेट लेना है। चलिए हम लोग ले लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं HTML गैजेट, इस प्लस के आइकॉन के ऊपर कीजिए क्लिक
और दोस्तों आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उस लिंक को फॉलो जैसे कीजिएगा, डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड करके यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये कोड है, और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ मॉडिफाई करना है। चलिए जैसे क्या क्या कर सकते हैं मॉडिफाई, तो सिंपली दोस्तों आपको जाना होगा अपने पोस्ट पे। पोस्ट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू पोस्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना लोगों को अपलोड करना है। चलिए हम बता देते हैं कैसे आप लोग अपलोड कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं इमेज का आइकॉन, इसके ऊपर कीजिए क्लिक। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप लोग कैसे आप लोग इमेज को अपलोड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग चूज फाइल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये इमेज है, सिंपली हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका साइज दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर करेंगे क्लिक। यहाँ पे दोस्तों आप इसका देख सकते हैं विड्थ है 100 पिक्सल और हाइट है 100 पिक्सल। आपको सिंपली यही रखना है इमेज का साइज। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इमेज अपलोड हो जाएगा, और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसका यूज करेंगे। अब सिंपली दोस्तों इस इमेज के ऊपर करें क्लिक, और यहाँ से राइट क्लिक करें, और आपको मिल जाएगा कॉपी इमेज एड्रेस। सिंपली आप लोग इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे जाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप लोग इमेज का यूआरएल डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे https देख रहे हैं। सिंपली यहाँ से jpg तक यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इसमें और भी कुछ चेंजिंग करना है, जैसे यहाँ पे जो कुछ टेक्स्ट देखने को मिल रहा है सिंपली आप लोग इसे चेंज कर लें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अबाउट में हमने पहले से लिख के रखा है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं अबाउट में बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिंपली हम थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं नाम से लेकर के यहाँ तक हम सिंपली इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो साइड है ये कम्प्लीटली इंग्लिश में है, तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम लोग इसे हटा देते हैं। हटाने के बाद दोस्तों और दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है, क्लिक करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक हेयर। यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया क्लिक हेयर। अब दोस्तों यहाँ पे जो URL देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों अपने अबाउट का URL आपको लगाना है। तो सिंपली दोस्तों हमारे अबाउट का URL ये है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कॉपी करेंगे, कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे अबाउट के ऊपर कीजिएगा क्लिक, और उसके बाद दोस्तों आप लोग इस URL को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट कर दें। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे होम के ऊपर। चलिए हम होम के ऊपर करते हैं क्लिक, और देखते हैं कि हमारा आर्थर का गैजेट यहाँ पे आया है या नहीं आया। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आर्थर का गैजेट हमारा आ गया है विथ इमेज। अब दोस्तों यहाँ पे जो अबाउट मी लिखा हुआ है, तो सिंपली दोस्तों आप लोग इसे यहाँ पे आप लोग किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इमेज का काम हो गया है ख़त्म। अब यहाँ से क्लोज करेंगे। सिंपली दोस्तों यहाँ से हम क्लोज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और इस पोस्ट को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग लेआउट के ऊपर चलेंगे। लेआउट के ऊपर जाने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग एडिट करें। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप बॉक्स देख रहे हैं टाइटल का, यहाँ पे आप लोग अर्थर लिखें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अर्थर लिख दिया। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों हम लोग सेव अरेंजमेंट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्थर नाम आ चुका है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं इमेज भी आ चुका है। अब दोस्तों बात रही कि यहाँ पे क्रेडिट कैसे चेंज करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्रेडिट कैसे चेंज किया जा सकता है। अब दोस्तों आप लोग को जाना पड़ेगा थीम के ऊपर। थीम के ऊपर जाने के बाद आप लोग एडिट HTML कर लें। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप लोग एडिट HTML कीजिएगा, तो आपके सामने यहाँ पे HTML कोडिंग में आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कहीं पर भी माउस ले जाके क्लिक कीजिए और कंट्रोल F दबाइए। कंट्रोल F दबाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है वो जान जाइए। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिएटेड बाई जो है, सिंपली आप लोग यहाँ से इसे कॉपी ही कर लीजिए, या नहीं तो दोस्तों मैनुअल भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया, अभी इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाता है URL। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना URL लगाना है। चलिए हम अपना URL यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे भी URL है, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको अपना URL लगाना है। चलिए लगा देते हैं। अब दोस्तों एक जगह और आपको यहाँ पे blogger.com देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी अपना URL आप लोग लगा लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे यूआईएल का काम खत्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट जो चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं क्रेडिटेड फ्री टेम्पलेट, तो आपको क्या करना होगा उसके लिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे नाम देना होगा जो भी आपके साइट का नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने दे दिया टेक्स टिप्स इंडिया, ठीक है, सिंपली हमारे टेम्पलेट का नाम यही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख दिया टेक्स टिप्स इंडिया। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं ब्लॉगर टेम्पलेट, तो इसे भी आप यहाँ से इसका नाम दे दें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एरिना डिजाइन है इसको भी यहाँ पे अपना नाम दे दें, दे दिया हमने। अब दोस्तों यहाँ पे एक चेंजिंग और करना है, यहाँ जो देख रहे हैं ब्लॉगर, इसमें भी आप अपना नाम दे दीजिए। चलिए हमने दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो हैश देखने को मिल रहा है आपको, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म दीजिए, ठीक है, टीटी इंडिया, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो हैश देख रहे हैं यहाँ पे भी आप हटाइए और यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम दे दिए। तो दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा क्रेडिट चेंज हो चुका है। अब हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों कॉपीराइट जो देख रहे हैं 2017, इसे आप लोग 18 कर लीजिए। अगर 19 में बनाइएगा वेबसाइट तो 19 कर लीजिएगा, 20 में बनाइएगा तो 20 कर लीजिएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम आ चुका है, ठीक है, टेस्ट टिप्स इंडिया क्रिएटेड बाय टेस्ट टिप्स पावर्ड बाय टीटीआई, ठीक है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली हमने इसको रिमूव कर दिया। अब दोस्तों बात रही कि यहाँ पे जो हम लोगो लगाते हैं वो कैसे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो हम लोगो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे और ये डमी टेक्स जो देख रहे हैं इसे हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे और यहाँ पे अपने साइट का नाम कैसे देंगे। तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को जाना होगा ब्लॉगर के टेम्पलेट में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थीम के ऊपर करना है क्लिक, एडिट एचटीएमएल कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों कहीं पे भी कर्सर ले जाकर क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल एफ दबाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है डम्मी टेक्स, हमने लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है ये टेक्स। कम्प्लीटली दोस्तों यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको जो भी नाम डालना है डाल सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये जो देख रहे हैं आप एडमिन MC3, यहाँ पे दोस्तों अपने साइट का नाम कैसे देंगे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको जाना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं सिंपली यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपने साइट का नाम दे दीजिए। चलिए हम दे दिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो डम्मी टेक्स है उसमें क्या दीजिएगा, डम्मी टेक्स में दोस्तों हम लोगों अपने साइट के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, फिलहाल अभी हम कुछ भी यहाँ पे कॉपी करके डाल देते हैं। आप लोग दोस्तों अपने हिसाब से अपने साइट के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। अब बात रही दोस्तों कि इमेज कैसे लगाएंगे, तो इमेज के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, यहाँ पे देख रहे हैं इमेज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने सारा चीज करके रखा है, ये जो हैज है, हैज को हटा के अपना इमेज का URL लगाएंगे। तो कहाँ से URL लाएंगे, अभी जो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था URL के बारे में, ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा और कॉपी इमेज एड्रेस। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं हैज, हैच को हटाने के बाद यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर दीजिए। अब इसे हम लोग कम्प्लीटली सेव कर देते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोगों को जाना होगा एक पोस्ट के ऊपर, तो कोई एक पोस्ट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये परफेक्ट बैठ चुका है और यहाँ पे दोस्तों हमारे साइट का नाम है और यहाँ पे हमारे बारे में है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग अपने साइट को अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से अपने फूटर में आर्थर गैजेट, लेटेस्ट पोस्ट, फॉलो मी का गैजेट वगैरह लगाएंगे और दोस्तों अपने पोस्ट में जो डम्मी टेक्स है उसमें इमेज हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।